सर्दियाँ आते ही हमारे तुलसी के पौधे पर बहुत सारे फंगस का अटैक होने लगता है। इसके लीव्स येलो होने लगती है और ये लीव्स ड्रॉप करने लगता है और धीरे धीरे तुलसी का प्लांट जो है सूखने लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो पावरफुल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जिससे कि आपका प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा पूरी सर्दियों भर। और कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिनसे कि आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए, ये है तुलसी जी का मेरा पूजा वाला पौधा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तुलसी जी पर आ जाती हैं ये भर भर के मंजरियाँ, तो तुलसी माँ से माफ़ी मांग करके कि हे माँ, मैं आपके सर से जो है इस भार को उतार देती हूँ। तो ये मंजरियाँ जो है आपको धीरे धीरे इनसे ऐसे उतारनी है कि ताकि प्लांट को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से मैंने भी निकाल ली हैं ये सारी मंजरियाँ। इन मंजरियों को आप सुखा करके चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट जो है इसकी चाय होती है और बहुत ही अच्छी जो है पीने में होती है। तो मैंने ये सारी मंजरियाँ निकाल दी हैं, अब मैं इनको ड्राई कर लूँगी। तो तुलसी जी का जो पौधा होता है फ्रेंड, ऐसे तो पूरे कई कई सालों तक ये गार्डन में बना रहता है। मेरा भी बहुत पुराना ये तुलसी जी का पौधा है और ये यूं ही बना रहता है। सर्दियों में मैं इसे कवर कर लेती हूँ कपड़े से, और अगर इसकी लीव ड्रॉप हो जाती है तो उनको हटा करके इनके डेड ब्रांचेस को कट करके और फिर से जो है मेरा प्लांट हरा भरा बना रहता है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम आप भी अपने प्लांट की केयर करते रहें ताकि आपका प्लांट भी ऐसे ही हरा भरा रहे। अगर ऐसी येलो लीव्स आपके प्लांट पर भी हो रही हैं तो परेशान ना हो, ये एक वैसे नेचुरल प्रोसेस है। और ये नेचुरल प्रोसेस अगर प्लांट पर येलो लीव्स नहीं होंगी या प्लांट अपनी ओल्ड लीव्स को ड्रॉप नहीं करेगा तो प्लांट पर न्यू लीव्स कहाँ से आएंगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे घबराएं नहीं। लेकिन हाँ, प्लांट की टाइम टू टाइम केयर करते रहें प्लांट से। इस प्रकार आप खुद भी अपने प्लांट से जो है येलो लीव्स को रिमूव कर सकते हैं। इससे प्लांट पर जो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तुलसी जी का प्लांट वैसे मोस्टली हर हिंदू घर में मिल ही जाएगा आपको। ये प्लांट जितना, इस प्लांट की जितनी स्पिरिचुअल में वैल्यू है उससे उतनी ही इसकी आयुर्वेद में भी वैल्यू है। स्पिरिचुअल में कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी निगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं हो सकता है। दोनों टाइम अपने तुलसी जी के पौधे की ज़रूर पूजा करें और इसको समय से अब जल दें, दीप दान दें ताकि तुलसी जी का पौधा हमेशा हरा भरा रहे। तो कुछ स्पिरिचुअल में इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो उस पर अगर मैं आपको वीडियो बनाने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी आयुर्वेदिक में महत्व बता देती हूँ। आयुर्वेदिक में जो है, जैसे इसकी लीव्स को अगर आप सर्दी खांसी में लेते हैं तो इसकी लीव्स से जो है आपका सर्दी खांसी दूर रहेगी और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तुलसी जी जो है पेट दर्द में, अगर कहीं आपके फेस पर मुहासे हो रहे हैं या एक्ने की प्रॉब्लम किसी को है तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बना कर उस पर लगा सकते हैं, काफ़ी रिलीफ उसमें मिलता है। अब हम बात करेंगे, देखिए फ्रेंड, मैं हमेशा आपको बताती हूँ गुड़ाई आप अपने प्लांट की ज़रूर करें। गुड़ाई करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर एक, हमारे प्लांट की रूट बाउंड नहीं होती है। नंबर दो, प्लांट की रूट तक ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है और इस तरीके से जो है प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। प्लांट की जो सॉयल है उसका हमेशा ध्यान रखें। तुलसी जी के पौधे को एक सॉगी सॉइल पसंद है। सॉगी इन द सेंस कि मतलब इसको ड्राई नहीं होनी चाहिए इसकी सॉइल, नहीं तो इसके लीव्स एकदम मुरझा जाते हैं। इस टाइम रेन ख़त्म हो चुका है, प्लांट पर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो फंगस का अटैक ना हो उसके लिए आप हल्दी और नीम खली का पाउडर बना करके प्लांट को दें और इसको मिक्स कर लें। आप एक चम्मच बस आप इसको अपने प्लांट में डालें, एक से डेढ़ चम्मच, और आपका प्लांट हमेशा के लिए पूरी सर्दियों भर जो है सेफ़ हो जाएगा एकदम फंगस से। तो इस तरीके से जो है मैंने ये दोनों इकट्ठे कर लिए हैं। अब इनको जो नीम खली होता है वो भी एक पेस्टिसाइड के तरह वर्क करता है। वो उसमें कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो प्लांट को सेव करता है। ऐसी हल्दी है, हल्दी जो है प्लांट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और कई तरीके के जो है जो कीट पतंगे पेड़ पर हो रहे होते हैं, कई तरीके के फंगस का जो प्लांट पर अटैक हो रहा होता है उससे भी प्लांट को सेव करता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। बस एक चम्मच जो है मेरे को अपने प्लांट के रूट में ये दे देना है और मेरा प्लांट हो जाएगा एकदम हरा भरा और पूरी सर्दियों भर तक रहेगा सेफ। तो
अगर आपने अभी तक अपनी तुलसी जी के प्लांट पर ये काम नहीं किए हैं तो आप भी तुरंत से कर लें, तो आपका तुलसी जी भी हमेशा बना रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये तो कई प्लांट ऐसे होते हैं जो सालों साल चल जाते हैं, तो ये मेरा उन्हीं में से प्लांट है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे गार्डन में कम से कम 6 से 7 प्लांट तुलसी जी के हैं जो टी में लीव्स, जिनकी लीव्स जो है टी में काम आती है, और ये मेरा पूजा वाला तुलसी जी का प्लांट है, तो मैं इसकी लीव्स को नहीं निकालती हूँ, और सिर्फ मैं आज मैंने मंजरियाँ हटाने, नहीं तो मैं पूजा वाले प्लांट को बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। और इस तरीके से आप भी दें अपने प्लांट में, 1 चम्मच सफिशियंट है आपके प्लांट के लिए, और उसके बाद कर दें इसकी अच्छे से हल्के हाथ से गुड़ाई, ताकि ये दोबारा से जो है अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और अच्छे से अपना काम करने लगे। तो इस तरीके से फ्रेंड मैं आपको बता रही थी कि आप अगर आपका आपके पास तुलसी जी का पौधा है नहीं है तो आप लगाए हैं तो आप एक के अलावा 2-3 और उगा लीजिए, ताकि जब भी आपको चाय के लिए तुलसी जी की पत्तियां चाहिए हों तो आप उन और प्लांट से ले सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को जो है एक सॉगी सॉइल पसंद होती है, सॉगी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं, ड्राई सॉइल में जो ये मुरझाने से लगता है तो आप लगती है, तो आप जो है इसमें इसे इसकी सॉइल को सॉगी बनाए रखें, डेली जो है तुलसी जी में पानी दें। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, और वीडियो अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। जब तक दूसरा वीडियो लेके आती हूँ, बाय।